महाराष्ट्र के सतारा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दो समुदाय के बीच में वहां हिंसक झड़प हो गई, रात में जमकर पथराव और आगजनी की गई। दरअसल बताया जा रहा है कि एक विवादित पोस्ट को लेकर सतारा में यहां पर जमकर बवाल मचा है। सतारा में इंटरनेट फिलहाल बंद कर दिया गया है और स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। सतारा के इस इलाके में एक विवादित पोस्ट के चलते अभी भी तनावपूर्ण माहौल यहां पर बना हुआ है। बताया जा रहा है दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हुई, पथराव हुआ, आगजनी हो गई। टाइम्स नाउ और भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहां पर रात में जमकर बवाल मचा। महाराष्ट्र के सातारा से देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, पत्थरबाजी की जाती है, आग लगा दी जाती है कई इलाकों में, इस तरह की स्थिति वहां पर बन गई थी, तनाव भरी। अभी फिलहाल देखिए इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक विवादित पोस्ट को लेकर दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद यहां पर शुरू हुआ और उसके बाद भारी बवाल में ये तब्दील हो जाता है। ये देखिए जो तस्वीरें यहां पर कैद हुई है, जो वीडियोज वहां पर बनाए गए उसमें स्पष्ट होता है कि कितनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर हंगामा करते हुए आगजनी करते हुए नजर आए। और इसके पहले भी हमने देखा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में विवादित पोस्ट के बाद में कैसे हालात बन रहे हैं। पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है मानो एक पैटर्न नजर आता है। सतारा में भी विवादित पोस्ट के बाद में यहां पर भड़काऊ पोस्ट के बाद में किस तरह से तनावपूर्ण माहौल बना, भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। राकेश इस वक्त हमारे साथ देखिए जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, सातारा की ये तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कैसे आगजनी होती है, पथराव किया जा रहा है, क्या हुआ था, कौन सा विवादित पोस्ट जिसको लेकर इतना भारी हंगामा वहां हो गया और अभी क्या स्थिति? देखिए जो जानकारी हमें मिल गई है उसके मुताबिक ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के कोई विवादित पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे किसी शख्स ने डाला था और ये बताया जा रहा है कि इस इलाके में आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले भी जो है इसी तरीके की एक घटना हुई थी जिसके बाद में पुलिस ने कुछ जो है कार्रवाई की भी थी, लेकिन जो है कल शाम को ये घटना हुई जिसमें शिवाजी महाराज को लेकर के जब एक विवादित पोस्ट डाला गया तो एक जो गुट है उसने इस पर एतराज जताया और सामने वाले गुट को जाकर के ये बात समझाने की कोशिश की कि आप इसे हटा दीजिए, लेकिन वहीं पर जो दूसरा जो पक्ष है, जो दूसरा गुट है, उसने जो पहले गुट के सामने उनकी दोनों के बीच में काफी बहस शुरू हुई, वो बहस आगे जाके इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसमें पत्थरबाजी हुई और आगजनी तक हुई। इसके बाद माहौल जो है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जिसके बाद पुलिस ने किसी तरीके से जो है स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। अभी क्या कंडीशन है और जिस तरह से आप बता रहे हैं एक विवादित पोस्ट के बाद में इतना ज्यादा बवाल मचा, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, क्या आप जिस तरह से जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पूरा विवाद शुरू किया उनकी पहचान हो पाई है, कोई एक्शन हुआ है? देखिए ताजा स्थिति में आपको बता दूं कि ये जो घटना घटी इसमें चार लोग जो है जख्मी हुए जिसमें से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, वो जो शख्स है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस ने जो है फिलहाल इस मामले में अभी भी वहां स्थिति सातारा में जो यहाँ खटाव तालुका में बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है, जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात किया गया है, लोगों से अफवाहों पर यकीन ना करने की अपील की जा गई है और इसीलिए सोशल मीडिया को कंट्रोल में लाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो अब FIR दर्ज करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है और दूसरी तरफ कई सारे जो CCTV फुटेज है उसे खंगाले जा रहे हैं ताकि जो उत्पाद मचाने वाले जो लोग थे उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा सके। तो फिलहाल पुलिस ने एक तरफ जो FIR रजिस्टर करके अपनी कानूनी प्रक्रिया जो है वो एक्शन वो शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। बिल्कुल अपील यहां पर जरूर की जा रही है पुलिस की ओर से कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए, किसी तरह के ऐसे पोस्ट और ना किए जाए जो भड़काऊ हो, लोगों को भड़काने के प्रयास यहाँ पर ना किए जाए, शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, ये पूरे प्रयास जो है वो अभी फिलहाल पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।